Hello, my dear wonderful children. I am Shikha Arora, and today we are going to start with class 7 science, chapter number 4, heat. So let's get started. Children, see the warm up first. On a warm day, which type of clothes do you want to prefer to wear? Look at the figures and tick the right on the correct figure. The warm day pe children, we always prefer cotton clothes. Aise kapde jo lightweight hote hain, लाइट कलर्स के होते हैं एंड कंफर्टेबल होते हैं ताकि हमें ज्यादा हीट महसूस ना हो सके. नाउ यू रब योर हैंड्स एंड देन टच योर हैंड ऑन योर फेस. आपको क्या लगा? आपको अपना फेस गर्म फील होता है. गर्म मीन्स दैट हीट फ्रॉम माय हैंड्स इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू माय फेस. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हीट. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड from a body at higher temperature to one at lower temperature. Like मैंने अभी अपने hands को rub किया, so यहाँ पर heat produce हुई. इस heat को मैंने transfer किया अपने face पे. That means from hot object to the colder one. So heat is always measured in joules. That means कि heat की SI unit जो है वो हमेशा joules रहती है. When you hold a metal rod with one end in fire, you find it difficult to hold it after some time. अगर हम एक मेटल की रॉड लेते हैं और उसे हम गर्म करते हैं, थोड़े टाइम बाद हमें ऐसा लगता है कि हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां पर हमने उसको हीट किया था वहां पर हॉट है, मेटल रॉड बिकम्स हॉट फ्रॉम देयर, और जहां हमने उसको पकड़ रखा था वहां ठंडी थी. सो हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट पार्ट टू द कोल्डर पार्ट. इसी वजह से हम उस मेटल रॉड को होल्ड करने में, हमें उस मेटल रॉड को होल्ड करने में प्रॉब्लम आती है. It happens due to transfer of heat from one end to the other. There occurs a rise in temperature of the rod because of which we are not able to hold it. तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने उसे पकड़ा था and we heated that metal rod, तो वहां से उसका temperature जो है वो raise out हो गया. Now what is this temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. मतलब टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है. हॉट एंड कोल्ड. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम आर कोल्ड. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं. लाइक अगर आपको एक ग्लास में मम्मी दूध देती है एंड इट इज बॉइलिंग मिल्क, तो आप जैसे ही ग्लास को टच करते हो आपको पता चल जाता है नहीं ये तो बहुत हॉट है. और वहीं अगर मम्मी ने आपको कोल्ड कॉफी बना कर दी तो आप ग्लास को टच करते हो और आप क्या कहते हो, मम्मी ये तो कोल्ड है. सो बाय सेंस ऑफ योर टच यू कैन टेल वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड. बट द सेंस ऑफ टच इज ऑलवेज नॉट रिलायबल. लेट्स सी दिस थ्रू एन एक्टिविटी. टेक 3 बाउल्स, लेबल देम एज ए बी एंड सी. तो हम 3 बाउल लेंगे ए बी और सी. ए बाउल में हम कोल्ड वाटर डालेंगे और बी में हम हॉट वाटर डालेंगे और सी में हम दोनों ही वाटर्स डालेंगे. हॉट वाटर भी डालेंगे और कोल्ड वाटर भी डालेंगे. दैट मींस ये ल्यूक वार्म वाटर है. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन बाउल ए एंड राइट हैंड इन बाउल बी. आफ्टर कीपिंग बोथ योर हैंड्स इन 2 बाउल्स फॉर 2 to 3 मिनट्स, पुट बोथ हैंड्स इन बाउल सी. अब आप दोनों ही हाथ निकालेंगे और उसको बाउल सी में डाल देंगे. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? द लेफ्ट हैंड टेल्स दैट द वाटर इन बाउल ए इज कोल्ड. तो जब हमने लेफ्ट हैंड को डिप किया था उसने हमें बताया था कि भाई बाउल ए में कैसा पानी है, ठंडा पानी है. एंड राइट हैंड ने हमें बताया था कि बाउल बी में हॉट वाटर है और बाउल सी में ल्यूक वार्म वाटर है. सो इससे हमें पता चलता है कि सेंस ऑफ टच जो है वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है. नाउ चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर. When we touch an object, it may appear hot or cold. जैसे कि आप आइस को टच करते हो तो you can easily tell that it is cold. When you sip a hot coffee, आपको कैसा appear होता है? तो वो हमें गर्म लगती है. What makes things sense hot or cold? The sensation of hotness or coldness depends upon the direction of flow of heat. अगर एक heat body की तरफ move कर रही है तो body will appear hot. और अगर बॉडी से बाहर जा रही है तो बॉडी विल अपीयर कोल्ड. लाइक आपने मेटल रॉड पकड़ी, मेटल रॉड पकड़ी तो वहां से और उसको आपने हीट किया, क्या हुआ? हीट इज ट्रांसफर्ड. आपको
बॉडी जो है आपको जो ये मेटल रॉड है वो आपको गर्म फील हुई. सिमिलरली समर्स में आप बाहर से आते हो एंड यू जस्ट स्विच ऑन द फैन और क्या होता है आपका जैसे जैसे स्वेट आपकी बॉडी से इवेपोरेट होता है आपको हल्का सा अच्छा लगता है ना, कंफर्टेबल फील होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से हीट जो है वो एस्केप आउट हो रही है. When heat flows from an object to our body, it appears hot to us. When heat flows from our body to the object, it appears cold to us. We have just discussed that the hotness or coldness of a body is something related. We can measure the degree of hotness or coldness by comparing it. So, degree of hotness or coldness, that means the temperature ko measure karne ke liye, we require a special instrument which is called as thermometer. We have learned that measuring temperature by touch is not reliable always. Special instruments are used to measure the temperature accurately. Temperature is measured by a device called as thermometer or SI unit of temperature jo hai wo hoti hai Kelvin. Jabki hum temperature ko degree Celsius ya hum Fahrenheit mein bhi measure karte hain. लेकिन इसकी SI यूनिट की बात की जाए तो SI यूनिट इज ऑलवेज द केल्विन वन. नाउ चिल्ड्रन लेट अस डिस्कस द थर्मोमीटर. आपने थर्मोमीटर अपने घर में देखा ही होगा. जब आपको बुखार हो जाता है और आपको मम्मी डॉक्टर के पास लेके जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, आपके माउथ में एक थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं. उसके बाद वो उसको रीड करते हैं और बताते हैं कि आपको कितना टेम्परेचर है. Most thermometers used in laboratories or at home carry mercury as a thermometric fluid. तो अब इस thermometer के अंदर doctor जब इस thermometer को read करता है तो doctor क्या देखता है? Doctor देखता है कि mercury कितना move करा है, mercury ने कितना move किया है. Now what is this mercury? Mercury is a metal which is liquid at room temperature और यही mercury thermometer में fill की जाती है. और ये मर्करी जैसे जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर रीड आउट करती है उसके हिसाब से ये मेल्ट आउट होती है और ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये इस कैपिलरी ट्यूब में मूव करती है. उसे ही रीड करके डॉक्टर बता पाते हैं कि आपको कितना टेम्परेचर है. तो थर्मोमीटर्स हैव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स फ्रॉम -39 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट to 357 degree centigrade, that is the boiling point. When it expands or contracts with a change in temperature, both the expansion and contraction are useful, are uniform. So children, यहाँ पर हमें इन्होंने बताया है कि हमने thermometer के अंदर mercury ही क्यों ली. Firstly, mercury shiny है, silvery white metal है, जो कि easily विजिबल होता है. दूसरा, इसका जितना भी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है. एंड थर्डली, ये इस कैपिलरी वॉल पे स्टिक नहीं करती है, सो ये हमारी रीडिंग को कभी अफेक्ट नहीं कर पाती. हाउएवर, एज यू हैव लर्न्ड इन प्रीवियस प्राइमरी क्लासेस, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर डिफर फ्रॉम द क्लिनिकल थर्मोमीटर both in range and constriction. तो अब इन दोनों में laboratory thermometer और clinical thermometer में difference क्या है? पहला difference तो है कि इन दोनों की range different है. दूसरा, अगर आप laboratory thermometer में देखोगे तो laboratory thermometer में कोई constriction नहीं है, लेकिन clinical thermometer में एक kink होती है जिसकी वजह से हमारी mercury वापस नहीं आ पाती है. So दोनों के अंदर इतना छोटा छोटा सा difference है. द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर कितना है? इसका रेंज, इसकी रेंज है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये सिर्फ इतना ही टेम्परेचर हमारा मेजर कर सकती है. और अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ कंस्ट्रिक्शन बट नॉट द लेबोरेटरी थर्मामीटर. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में कंस्ट्रिक्शन होती है. द कंस्ट्रिक्शन अलाउज द टेम्परेचर रीडिंग टू बी रिकॉर्डेड इवन आफ्टर द थर्मामीटर हैज बीन टेकन आउट ऑफ द माउथ. तो डॉक्टर जब भी आपके मुंह से थर्मामीटर बाहर निकालते हैं, इसी कंस्ट्रिक्शन की वजह से मर्करी का लेवल फॉल डाउन नहीं कर पाता है. लेकिन अगर आप लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें, लेबोरेटरी थर्मामीटर को जब हमने अपने लिक्विड में डाला है हमें उसे वही मेजर करना पड़ेगा
क्योंकि बाहर निकालते ही मर्करी का लेवल वापस से डिक्रीज आउट हो जाएगा. अ डॉक्टर देयरफॉर बिफोर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर जर्क इट टू ब्रिंग डाउन द मर्करी बिलो द कंस्ट्रिक्शन इन इट्स बल्ब. तो डॉक्टर जब भी हमारा थर्मामीटर हमारे मुंह में इंसर्ट करते हैं उससे पहले आपने देखा ना उसको अच्छे से जर्क देते हैं जस्ट टू ब्रिंग डाउन द मर्करी लेवल. अ थर्मामीटर कैन हैव अ स्केल इन डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट एज शोन इन फिगर. These are the units in which temperature is commonly measured along with Kelvin, which is the standard unit of temperature. Children, जब भी आप degree Celsius में लेते हो या Fahrenheit में लेते हो हमें हमेशा उस temperature को Kelvin में ही convert करना होता है because Kelvin is the SI unit of temperature. और अगर हम इसकी बात करें Kelvin scale की तो वहां पे जो 0 degree है वो equal होता है 273 Kelvin. केल्विन के साथ कभी भी हम डिग्री का साइन यूज नहीं करते. ये डिग्री का साइन हमेशा सेल्सियस के साथ यूज किया जाता है फारेनहाइट के साथ भी यूज किया जाता है बट केल्विन में हम सिंपल के लिखते हैं डिग्री का यूज नहीं करते. द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर इंटर कन्वर्टेबल बेस्ड ऑन द रिलेशन. अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो वी कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू फारेनहाइट और फारेनहाइट में दिया है तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूला दैट सेज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 एफ माइनस 32 और अगर हम फारेनहाइट है तो डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 उल्टा हो गया इनटू सी प्लस 32. Therefore, based on the above relation, 0 degree centigrade is equals to 32 degree Fahrenheit and 100 degree centigrade is equals to 212 Fahrenheit. However, temperature reading on Celsius scale and Fahrenheit scales are same only at one point. Aur wo temperature hai minus 40. Specific minus 40 hi aisa temperature hai. जब डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल पे सेम टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है. नाउ सी द न्यूमेरिकल्स चिल्ड्रन. एग्जांपल 1 कन्वर्ट 77 डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. तो आपको फारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में चेंज करना है. सो आप फॉर्मूला पुट करोगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 एफ माइनस 32 और F की वैल्यू यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब हम इसको माइनस करेंगे वी गेट 45 और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 25. सो यू गेट एन आंसर एज 25 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली सी द एग्जांपल 2 कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट. तो आप फॉर्मूला पुट करोगे डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32. वैल्यूज पुट करने पे हमें टेम्परेचर जो हमारा मिलता है दैट इज 113 डिग्री फारेनहाइट. सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. दोनों के बीच में एक ड्रास्टिक डिफरेंस है. पहली चीज हीट क्या है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस. तो टेम्परेचर तो हमें बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. It is a phenomenon which helps in raising the temperature of an object. किसी भी चीज को अगर हम heat supply करते हैं तो उसका temperature क्या हो जाता है उसका temperature बढ़ जाता है. तभी तो अगर आपने लकड़ी को burn किया है तो क्या होगा क्या आप उस जलती हुई लकड़ी को पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते. क्यों क्योंकि वो बहुत hot हो जाती है. And temperature it is the effect of heat. तो temperature हम तो सिर्फ measure कर रहे हैं कि कितना गर्म हुआ है कोई चीज. इट इज मेजर्ड इन जूल्स. हीट को हम हमेशा जूल्स में मेजर करते हैं जबकि टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में डिग्री फारेनहाइट में या फिर हम केल्विन स्केल से मेजर कर सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन सी द प्रोजेक्ट वर्क. मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर इज अवेलेबल. आपको पहले क्या करना है अपने प्रोजेक्ट में आपको अपने फैमिली मेंबर्स के सबके टेम्परेचर नोट करने हैं एंड यू हैव टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ इट. एंड चिल्ड्रन नेक्स्ट थिंग इज आजकल आपने देखा होगा कि हम नॉर्मल थर्मामीटर जो हम पहले यूज करते थे वो नहीं यूज करते. अब हम कैसा थर्मामीटर यूज करते हैं
वी यूज डिजिटल थर्मामीटर। ये जो डिजिटल थर्मामीटर है ये मर्करी को यूज ही नहीं करता। ये कैसा थर्मामीटर होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। नाउ लेट्स सी द ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या करती है? हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। इट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। दिस फ्लो और ट्रांसफर ऑफ हीट गोज ऑन टिल बोथ रीजन्स कम्स टू सेम टेम्परेचर। तो हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में सेम टेम्परेचर ना हो जाए। देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ हम तीन मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन। चिल्ड्रन सी द कंडक्शन फर्स्ट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर अमंग सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में हीट जो ट्रांसफर होती है इट इज थ्रू कंडक्शन। नाउ चिल्ड्रन यू ऑलरेडी नो कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? दे आर टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी कम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ से हीट सप्लाई करती हूँ तो क्या होगा कि एक एक मॉलिक्यूल से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। ये कोल्ड पार्ट, ये हॉट पार्ट है जहां पे हीट सप्लाई हो रही है एंड दिस इज द कोल्ड पार्ट। थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि यहां तक हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो दैट मींस पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ने ट्रांसफर किया। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ही नहीं है, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन। तो इसी वाइब्रेशन की वजह से हीट आगे पार्टिकल्स में दी जाती है और आगे से फिर देन इट इज अगेन ट्रांसफर, फिर धीरे धीरे करते करते कोल्ड पार्ट तक हीट को हम ट्रांसफर करते हुए देख सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर अमंग सॉलिड्स। द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ट्रांसमिट हीट टू द एडजॉइनिंग पार्टिकल थ्रू देयर वाइब्रेटरी मोशन। ड्यूरिंग कंडक्शन हीट मूव्स फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड without actual displacement of the vibrating particles from their position. तो इसको समझने के लिए we can have an activity. इस activity में क्या हम देख रहे हैं? To study the difference in conductivity of different materials. अगर हम दो material लेते हैं, like we have copper and we have a steel rod, और इसमें हम लगा देते हैं, pins लगाते हैं with the help of wax, and हम इन दोनों ही rods को heat up कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले कॉपर रॉड जो है वो गर्म होगी, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी और वो यहाँ तक जाएगी, और आयरन स्टील रॉड में वो यहाँ से ट्रांसफर तो होगी बट लेकिन लेट होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर। इससे हमें पता चलता है कि कॉपर इज मोर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दो आयरन या स्टील भी है कंडक्टर ऑफ हीट बीइंग मेटल्स, लेकिन कॉपर जो है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है। और ऐसे ही अगर हम कॉपर और अल्यूमिनियम की बात करें तो अल्यूमिनियम और जल्दी हीट ट्रांसफर करेगा, सो अल्यूमिनियम इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। और अगर अल्यूमिनियम और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर और अच्छी तरह करेगा, तो दैट मींस सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। टेक एन आयरन एंड कॉपर रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड साइज, फिक्स इक्वल नंबर ऑफ लाइट वेट नेल्स ऑन सेम साइड ऑफ रॉड यूजिंग पेट्रोलियम जेली। Fix the rod to separate iron stand and place them as shown in figure. Heat the rods at one end. Observe and record the order in which the nails fall from both of the rods. It is observed that the nails from copper rod fell off first, then those from the iron rod. This shows that the material differ in their conductivity. From the above activity, we conclude copper is better conductor of heat than iron. Copper ने ज़्यादा जल्दी से heat को absorb किया था, so copper is better conductor of heat. इसी तरह से अगर हम copper और aluminium की बात करें, तो aluminium is better conductor of heat as compared to copper. इसके बाद कुछ materials ऐसे होते हैं which do not allow the heat energy to pass through them. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इंसुलेटर्स के अंदर हमारे क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, ग्लास, इवन एयर। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
सो एयर बीड जो है हमारी एक इंसुलेटर है. एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अगर आपने अपने कुकिंग यूटेंसिल्स देखे हो, मम्मी ने जो घर में फ्राइंग पैन यूज करती हैं, तवा यूज करती हैं, तो उसमें क्या देखते हो आप कि मेटल है और उसके बाद उसका हैंडल किससे बना हुआ है, उसका हैंडल बना हुआ है बैकेलाइट से. आप जितना मर्जी अपने यूटेंसिल को गर्म कर लो लेकिन आपका हैंडल गर्म नहीं होता, आप इजिली उसको होल्ड आउट कर सकते हो. इट इज बेस्ड ऑन कंडक्शन एंड इंसुलेटर. अब बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट एक इंसुलेटर है, वो हीट का ट्रांसफर करेगा ही नहीं, तो आप इजिली उस हैंडल को होल्ड आउट कर सकते हो. और वही जो आपका यूटेंसिल है वो मेटल का बना हुआ है, विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ हीट टू द फूड, जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो जल्दी पक जाता है. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज वी वॉन्ट हीट टू बी ट्रांसफर्ड क्विकली एंड इफिशियंटली फ्रॉम द फ्लेम टू द फूड. Some have copper bases because copper is a better conductor than steel or aluminium. Cups are not made up of metal. अब कप को मेटल का क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि कप को आपने अपने हैंड से होल्ड करना है. अगर आप उसको मेटल का बनाओगे तो इट विल कंडक्ट हीट फ्रॉम द लिक्विड इट इज हैविंग टू योर हैंड और हमें बहुत गर्म फील होगा, इसीलिए हम कभी भी कप्स को मेटल्स का नहीं बनाते. Because they would get too hot and not comfortable to drink with. They are made up of china, which is poor conductor of heat. और इसी वजह से आप उसको easily hold down कर सकते हैं. The handles of kettles, pans, and so on are also made of insulators for the same reason. Asbestos sheet or clay tile, which are poor conductor of heat, are used for making the roof sheds and houses. तो एस्बेस्टस शीट को या हम क्ले टाइल्स को यूज करते हैं टू मेक द रूफ्स सो दैट वो हीट को ट्रांसफर ना कर सके और हमारा घर जो है वो ठंडा रहे. इफ एल्युमिनियम और आयरन शीट्स वर यूज्ड इंस्टेड. और अगर आपने एल्युमिनियम की शीट यूज की होती या आयरन की शीट यूज की होती तो ये तो मेटल है, मेटल्स तो कंडक्ट करते हैं हीट को, तो क्या होगा कि सन की रेज जो है जब इस मेटल पे पड़ेगी तो मेटल हीट अप हो जाएगा और ये हीट वो आपके रूम्स में ट्रांसफर कर देगा. इफ यू टेक द केस ऑफ ग्लास, तो ग्लास भी क्या है? ग्लास एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए ग्लास टम्बलर जो है वो क्रैक हो जाता है अगर हम उसमें गर्मा गर्म कॉफी या टी डाल देते हैं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्ट टम्बलर का लिक्विड के कंटेक्ट में आता है वो एक्सपैंड करता है और जो उसका ठंडा पार्ट है वो कंट्रैक्ट करता है. इस अनइक्वल कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से हमारा टम्बलर जो है वो ब्रेक कर जाता है. द पार्ट ऑफ द टम्बलर इन कंटैक्ट विद द हॉट लिक्विड्स गेट हीटेड एंड एक्सपैंड्स व्हाइल द पार्ट नॉट इन कंटैक्ट विद द लिक्विड रिमेन्स कूलर एंड डज नॉट एक्सपैंड. दिस इज व्हाई द टम्बलर क्रैक्स. इसीलिए हमें हमेशा जब भी अपने टम्बलर में गर्म चीज डालनी है तो उसके अंदर आप एक स्टील स्पून को रख दीजिए, क्योंकि स्टील स्पून क्या करेगा? इट विल हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इक्वली. इफ यू प्लेस अ स्टील स्पून इन द टम्बलर एंड देन पोर इन द टी द टम्बलर विल नॉट क्रैक. स्टील क्यों? क्योंकि स्टील एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो ट्रांसफर कर देगा हीट को और रिड्यूसेस द हीट अवेलेबल टू द पार्ट ऑफ टम्बलर इन कंटैक्ट विद हॉट लिक्विड. तो वो इजीली हीट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसकी वजह से हमारा टम्बलर जो है वो टूटने से बच जाएगा. द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर हैव टू लेयर्स. तो अगर आपने अपना रेफ्रिजरेटर देखा हो तो उसके जो वॉल्स होती हैं और डोर्स होते हैं वहाँ पर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और इन लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है इंसुलेटिंग मटीरियल. इंसुलेटिंग मटीरियल क्या काम करता है? इंसुलेटिंग मटीरियल का मतलब है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करेगा. दिस मटीरियल प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर. तो ये हीट को अंदर आने से रोक देगा. द सेम इज ट्रू फॉर थर्मस फ्लास्क एंड गीजर्स. नाउ सी द नेक्स्ट मेथड दैट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. भाई कंडक्शन में हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे को हीट पास ऑन कर देते हैं, वहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं हो रहा. लेकिन कन्वेक्शन में यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है. Heat transfers in liquid and gases generally occur through convection. तो अगर आपको convection देखना है तो we have an activity here.
इसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का डाल देंगे. पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल इन कलर. तो टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, पोर सम पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, प्लेस द बीकर ओवर वायर गॉज ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, हीट द मिक्सचर यूजिंग स्पिरिट लैम्प और बंसन बर्नर एट लो फ्लेम. तो हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ से पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट को हम देखेंगे कि वो ऊपर जाते हैं एंड देन दे कम डाउन अगेन, दे मूव अप एंड कम डाउन. तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल्स हीट अप हो रहे हैं, हीटेड पार्टिकल्स मूव अप और उनकी जगह कौन ले लेता है, ठंडे पार्टिकल्स ले लेते हैं. अगर आपने घर में कभी चाय बनते हुए देखी है तो आप पहले क्या करते हो, आप वाटर को बॉयल करते हो, तो आप क्या देखते हो कि वाटर के बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं. दैट मीन्स जो पार्ट हॉट हो रहा है वो ऊपर आता है और ऊपर में जितना भी ठंडा पार्ट है वो दैट मूव्स डाउन. सो अगर हमें कन्वेंशन करंट्स को देखना है तो कन्वेंशन करंट्स कुछ इस टाइप से बनते हैं. यहाँ से पार्टिकल्स मूव कर गए अप, ऐसे गए अप एंड द कोल्ड पार्टिकल्स दे कम डाउन. ऐसे कोल्ड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे आते रहते हैं. पहले जितने पार्टिकल्स गर्म हुए वो ऊपर चले गए और ऊपर से ठंडे पार्टिकल्स नीचे आ गए. एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन करंट्स. तो कन्वेंशन करंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो यूज़ किए जाते हैं वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन में. तो एग्जॉस्ट फैन जो आपके सीलिंग में लगा होता है उसका मेन फंक्शन क्या है कि भाई जो हम एयर ब्रीद आउट कर रहे हैं, अगर आप अपने हाथ पे एयर को ब्रीद करके देखोगे तो आपको लगेगा कि वो हल्की सी हॉट है. दैट मीन्स आपकी जो एयर एक्सपेल आउट हो रही है दैट इट इज़ वॉर्म एयर. तो वॉर्म एयर और हॉट एयर हैज़ द टेंडेंसी टू राइज अप क्योंकि ये लाइट होती है. तो हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ से एग्जॉस्ट फैन इसको बाहर ले जाएंगे और विंडोज़ के थ्रू कोल्ड करंट्स और द कोल्ड एयर कैन मूव इनटू योर रूम. Ventilators and exhaust fans are usually near the ceiling of room because the air we breathe out is warmer and lighter than the ordinary air. It rises and escapes through ventilator or exhaust fans and cool fresh air enters through the window. ऐसे ही जो हम chimneys लगाते हैं hot air को smoke को वो क्या करती है, because they are light in weight and they are warm. तो warm air has a tendency to rise up. तो ये चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है एंड कोल एयर फ्रॉम द विंडोज कैन मूव इनटू योर रूम. हॉट एयर एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल फर्नेसेस राइज एंड एस्केप थ्रू चिमनीज. तो चिमनी के थ्रू ही ये एस्केप आउट होती है. हीटर्स ब्लोअर्स एंड हीट कन्वर्टर्स हीट अ रूम बाय सेटिंग अप कन्वेंशन करंट्स. तो जो हीटर है वो भी कन्वेंशन करंट्स के थ्रू ही आपके रूम को हीट अप करता है. When firemen enters a building in which fire has broken out, they generally crawl in. अब वो crawl क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आग लगी है, smoke है, warm air है. Warm air की क्या tendency है, it will rise up. तो वो ज़मीन पर नहीं है, तो इसीलिए वो लोग crawl करते हुए building के अंदर घुसते हैं. Because the choking smoke and hot air rises upward. We can observe conventions in gases. Therefore, When you heat an empty container with its lid closed, अगर आपने कोई कंटेनर लिया है और उसकी लिड आपने क्लोज कर दी है एंड यू हीट इट, तो क्या हम देखते हैं कि उसकी लिड उड़ जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंटेनर के अंदर सेटअप हो गए हैं कन्वेंशनल करंट. हेयर इज वॉर्म, वॉर्म हेयर की टेंडेंसी है अपवर्ड मूव करने की, तो इट विल पुश द लिड अपवर्ड्स. We can observe convention in gases. Therefore, when you heat an empty container with its lid closed, the lid blows off soon after heating the container. It is the same principle that was used to make the steam engine move or a pressure cooker to whistle. The same principle of convention is involved in the formation of sea breeze and land breeze. तो आपको ये पता है कि जहाँ पे temperature moderate होता है, like Bombay है, मुंबई है, कोलकाता है, दे हैव अ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. अब ऐसा क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सेटअप होते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सो लेट्स स्टडी अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज चिल्ड्रन. तो सी ब्रीज में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड जो है वो इजिली हीट अप हो जाएगा बाय द रेज ऑफ सन. नाउ चिल्ड्रन, वन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि जो पानी होता है वाटर देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है. सो एज कंपेयर टू वाटर,
दिन के टाइम में लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा. सो एयर जो है लैंड के ऊपर की जो एयर है वो कैसी हो गई, वो गर्म हो गई. और अभी हमने डिस्कस किया था कि वार्म एयर की क्या टेंडेंसी होती है, टू राइज अप. तो यहाँ से सारी वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज कर गई. अब यहाँ पे बन गया एक वैक्यूम. इस वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए ठंडी हवा फ्रॉम दी वाटर, सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ को चलती है. द कूलर एयर फ्रॉम सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. वार्म एयर तो ऑलरेडी एस्केप कर गई, सो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज. और अगर आप रात की बात करो तो ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड तो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन क्या है कि जो सी का वाटर है वो तो अभी भी गर्म है, तो सी के वाटर की जो एयर है वो राइज अप करेगी. अब यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और लैंड हमारा ऑलरेडी ठंडा हो चुका है. सो एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. द वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप एंड कूल एयर अबव द लैंड रशेज टू टेक इट्स प्लेस. दिस कूल एयर दैट मूव्स फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. So now children, we are going to study about another process of transfer of heat that is called as radiation. Radiation is the process of transfer of heat that does not require any medium. जैसे कि sun की rays earth को heat up कर रही हैं, that is done by radiation. तो इसके लिए उन्हें medium की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि medium क्या है, air है. लेकिन air तो bad conductor of heat है, वो तो transmit करेगी नहीं heat को. इसीलिए जो सन की रेज अर्थ तक पहुंचती हैं वो पहुंचती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंटैक्ट बिटवीन सोर्स ऑफ हीट एंड ऑब्जेक्ट टू बी हीटेड. अब अर्थ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्म सन की रेज इसको हीट अप कर देती हैं, लेकिन सन और अर्थ एक दूसरे को टच थोड़ी कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना. तो दैट मीन्स हीट जो है वो विदाउट एनी मीडियम ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम सन टू अर्थ. We feel warmth when sitting besides the fire, not because of convention but because of radiation. अगर आप सर्दियों में आपने देखा होगा लोग आग जला के बैठे होते हैं, अब वो बिल्कुल आग को टच थोड़ी करते हैं कि उन तक हीट प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होता. वो दूर बैठे होते हैं फिर भी दे कैन फील दैट वॉर्म्थ. ऐसा इसलिए है क्योंकि हीट इज बींग ट्रांसमिटेड थ्रू रेडिएशन. The warm air from the fire radiates in all direction. The material with dark surfaces or black color are better absorbers or emitters of heat. तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आप गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े पहन के बाहर निकलते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है. ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं दे अब्जॉर्ब हीट. ब्लैक इज अब्जॉर्बर ऑफ हीट. और वहीं अगर आप वाइट कलर के कपड़े पहनते हो तो क्या होता है, वाइट कलर इज रिफ्लेक्टर ऑफ हीट. वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए आपको अपनी बॉडी कूल फील होती है. द मटेरियल विद डार्क सर्फेसिस और ब्लैक कलर आर बेटर अब्जॉर्बर्स और एमिटर्स ऑफ हीट, वेयर एज द शाइनी कलर सर्फेसिस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ रेडिएशन. देयरफॉर यू सी दैट द इनसाइड कंटेनर ऑफ थर्मस फ्लास्क और The containers for storing petrochemicals are silver polished to reflect the radiation. Now see an activity children. To show that dark color are better absorbers than shiny colors. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टू कोनिकल फ्लास्क लेंगे 500 ml के और उनको मार्क करेंगे as A and B. अब फ्लास्क A को हम पेंट कर देंगे ब्लैक कलर से और फ्लास्क बी को पेंट करेंगे हम सिल्वरी शाइनिंग कलर से, और उस दोनों के ही फ्लास्क के अंदर हम पानी को भर देंगे और इन दोनों का मुंह बंद करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉक और उसमें लगाएंगे हम एक थर्मोमीटर. रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन बोथ द फ्लास्क. इन दोनों ही फ्लास्क को हम हीट में लेकर जाके रख देंगे, सन में रख देंगे, एंड 15 मिनट्स के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे टेम्परेचर को. मेजर द डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर. Record your observation and discuss with your friends. तो हम क्या देखते हैं कि जो temperature painted, जिसको हमने black paint किया था उसका temperature जो है वो ज़्यादा बढ़ गया as compared to that of the silvery one. इसी से हमें पता चलता है कि जो black color है it is a good absorber of heat or radiation. Now what are the application of radiation?
जैसे कि आपने देखा होगा आपका जो रूम हीटर है उसमें रॉड्स लगी होती हैं एंड इट इज पॉलिश फ्रॉम बैक साइड. पॉलिश होता है ना, ये पॉलिश क्यों होता है? ताकि ये हीट को सब तरफ रेडिएट कर दे, हीट को एमिट आउट कर दे. इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर्स विच हैव स्फेरिकल रॉड्स लाइक हीटिंग एलिमेंट्स हैव अ कर्व्ड पॉलिश सर्फेस बिहाइंड द एलिमेंट्स. दिस सर्फेस रिफ्लेक्ट्स रेडिएट एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेट्स इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. You feel the heat even if you stand a few meter away from the heater. एक तो इसकी rods जो हैं वो गर्म हो रही हैं और इसका जो back side में polish surface है वो heat को emit कर देता है और radiation के through heat जो है वो पूरे room में spread out होती है. So you do not feel the heat if you sit a few feet away from the heater. It is better to wear white or light colors in summers. ऐसा क्यों? क्योंकि जो white colors है वो less absorb करते हैं heat energy को और even radiate करते हैं heat को. And radiate heat then do dark colors. Radiant heat from the sun is used to cook food. आजकल हम solar cooker use कर रहे हैं, solar panels use कर रहे हैं. We are using the sun's energy. Sun energy किस process से आ रही है हमारे पास? Through radiation only. Radiant heat from the sun is used to cook food in solar cooker. The inner surface of solar cooker are painted black so that the radiant energy entering through the glass top is absorbed better. Reflecting solar films are used on car windows to prevent heating by radiation. The film reflects radiant heat एनर्जी एंड स्टॉप इट फ्रॉम एंटरिंग द कार. तो आजकल कार्स पे आपने देखा होगा सोलर फिल्म्स लगा दी जाती हैं ताकि वो हीट को एमिट आउट कर सके और हमारी जो कार है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए. नाउ चिल्ड्रन सी द वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क. तो थर्मस फ्लास्क आप यूज करते हो टू कीप योर हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड. तो ये ऐसा कैसे कर पाता है? लेट्स सी दिस. A thermos flask is a special type of vessel which keeps hot liquid hot and cold liquid cold for a long time. It is made in such a way that it reduces the loss of heat by conduction, convection and radiation to a minimum level in the following manner. तो अगर आप देखो कि एक thermos flask क्या होता है, ये एक double layered होता है, इसके अंदर water ग्लास बॉटल होती है जो कि डबल लेयर की होती है. अब हमने ग्लास को ही क्यों चूज़ किया? हमने ग्लास को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को ट्रांसमिट नहीं करता है. ग्लास इज चूजन एज अ मटेरियल फॉर मेकिंग थर्मस फ्लास्क बिकॉज इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ऑल द एयर इज इवैक्यूएटेड. अब इस ग्लास के दोनों की लेयर के बीच में जितनी भी एयर है उसको हम रिमूव कर देते हैं टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. कन्वेक्शन और कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसमिट ना हो जाए इसलिए हम उसके बीच में से एयर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम. तो इसलिए हमने यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि कंडक्शन भी मीडियम रिक्वायर करता है और कन्वेक्शन भी मीडियम रिक्वायर करता है. तो ना तो कंडक्शन हो पाएगा ना ही कन्वेक्शन हो पाएगा. The surface of double walled glass bottle is silvered like a mirror. और इसके surface को हम polish कर देते हैं with the help of a silvery material. This is done to reduce the transfer of heat by radiation. We know shiny surface is poor absorber and also a poor emitter of heat. हमने इसको silver paint इसीलिए ही किया है क्योंकि silver paint क्या करेगा? वो तो absorb ही नहीं करेगा heat को, तो heat का transfer by radiation भी reduce हो जाएगा. A plastic stopper is fitted in the mouth of the flask and a plastic cap is screwed over this stopper. This is done to reduce conduction of heat as plastic is again bad conductor of heat. तो यहाँ हम एक प्लास्टिक का कैप लगाते हैं एंड अगेन प्लास्टिक भी हीट को कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है. ग्लास बॉटल इज हेल्ड इन प्लेस इनसाइड द मेटल केस. और इस ग्लास बॉटल को हम एक मेटल केस के अंदर डालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्क पीस. दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन. कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर ना हो जाए इसीलिए हमने इसका ये सेटअप बनाया है. Cork is again a bad conductor of heat. Thus, the transfer of heat into or out in a closed thermos flask is very less. तो हमने देखा कि हमने through conduction भी heat का loss नहीं होने दिया,
बाय कन्वेक्शन से भी नहीं होने दिया और रेडिएशन को भी हमने रिड्यूस कर दिया. सो हॉट लिक्विड रिमेन्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स रिमेन कोल्ड इनसाइड द थर्मस फ्लास्क फॉर अ लॉन्गर टाइम. नाउ चिल्ड्रन सी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. नाउ व्हाट इज कंडक्शन? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर रीजन टू अ कोल्डर रीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो हीट के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड ईजिली थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हीट के ट्रांसमिशन में बिल्कुल हेल्प नहीं करते. मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ हीट लाइक वुड, प्लास्टिक, फर एंड इवन एयर. एयर भी हमारी इंसुलेटर ही है. See the summary of the chapter, children. Heat is a form of energy. We have already discussed. Temperature is the degree of hotness or coldness of an object. Heat is transmitted from one point to another by conduction, convection, and radiation. Mercury is used as thermometric fluid. A thermometer can measure the temperature in degree Celsius or Fahrenheit. However, the SI unit of temperature is Kelvin. Clinical thermometer is used to measure your body temperature. Children, let's do the exercise. See the first question. Choose and tick the correct option. See the first one. The transmission of heat through vacuum is possible only by its radiation. The object with black surface, जो black surface होते हैं, वो good absorbers होते हैं. The temperature range of mercury कितनी होती है? It is -39 degree to 357 degree centigrade. The temperature range of clinical thermometer is 35 degree centigrade to 42 degree centigrade. The temperature at which degree Celsius and Fahrenheit scale are equal, that is only one unit, that is -40 degree Celsius. See the B question, children. Write T for true and F for false. The material which does not allow heat to pass through them easily are called insulators. Yes, it is true. In liquids and gases, heat is transferred by conduction. नहीं, liquids और उसमें convection के through होती है. Alcohol is the only metal in liquid state. No, it is again false. We get heat from sun by radiation. Yes, it is true. The digital thermometer contains mercury. No, it does not contain mercury. See the fill in the blanks, children. The dash is a device used for measuring temperature. That it is called as thermometer. The material which allows heat to pass through them easily are good conductors of are conductors of heat. Clinical thermometer is used to measure our body temperature. In dash, generally the heat is transferred by conduction. In solids, dash metal is used in the bulb of thermometer. It is mercury. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.